अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इंश लाइक्स अ नॉट। अच्छा, आज एक डिफरेंट रेसिपी मैं ट्राई कर रही हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। यहाँ पर है पकोड़ों का मिक्सचर मैंने बनाया है। अगर आपको पकोड़ों की रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। खैर, मैं इसका भी रिव्यू दे देती हूँ आपको। इसके अंदर मैंने डाला है स्लाइस अनियन, पोटैटो क्यूब्स में काट लिए हैं, चने का आटा डाला है मैंने इसमें, और कॉर्नफ्लोर डाला है, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा और धनिया, और साथ में मैंने इसमें डाला है ग्रीन चिली का पेस्ट, थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीने का पेस्ट, और कैप्सिकम थी मेरे पास, वो मैंने डाल दी है। अच्छा, अब इसमें ट्विस्ट ये है कि मैं ब्रेड के मैंने ऐसे क्यूब्स काट लिए हैं, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और हल्का सा इसको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी की पतली करके इसको मैं फ्राई करूँगी। बेसिकली ब्रेड पकोड़ा मुझे बनाना था, तो मैंने सोचा कि हर स्लाइस को अलग से पकड़ के पकाने से बेहतर है इसके क्यूब्स काट के मैं उसमें डाल देती हूँ, तो स्लाइस का ब्रेड का जो फ्लेवर है वो भी पकोड़ों में आ जाएगा आलू और प्याज के साथ, वो इंशाल्लाह बड़ा मज़ा देगा। चलिए फिर मिलते हैं जब बच्चे आएंगे और उसको टेस्ट करेंगे, तब मैं आपको इसकी फाइनल लुक और टेस्टिंग दिखाऊँगी जी। तो यहाँ पर है फाइनल लुक ब्रेड पकौड़ाज मिनी बाइट्स में, और इंजॉय करते हैं। बच्चों की टेस्टिंग का रिव्यूज मैं आपको दिखाऊंगी। ओके जी, मिलते हैं बच्चों के रिव्यूज पे। पूछो मम्मा की तरह, कैसे हैं आप लोग? और इंशा आप स्कूल से आ गई? Yes. और अब आप क्या खाने लगी हो? ये मम्मा ने आज डिफरेंट स्टाइल से बनाए। हाँ, तो आप किसका वेट हो रहा है? एमन का। अच्छा, आप स्कूल से आई, आज आपके स्कूल में मिलाद था। यस, एमन। क्या किया आपने मिलाद में? आज ग्राउंड में बैठे थे। और चले जी, अब मिलते हैं एमन से। हाय, आपके लिए आज क्या बनाया है? पकोड़े। ब्रेड पकोड़े, लेकिन डिफरेंट स्टाइल से। रेसिपी तो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दी है, अब टेस्टिंग आप लोगों पर है। चले जी, अब दोनों ट्राई करेंगे एक एक करके। पहले एमन ट्राई करेंगी, मैं एमन का रिव्यू लूँगी जी। कैसा लग रहा है? वेरी गुड। चले इंशा, अब आपकी टर्न, जो मर्जी ले लो, सब एक ही जैसे। गरम तो नहीं था? मजा आ रहा है? सालन चावल रोटी, इससे डिफरेंट हो जाता है ना ये खाना, और पेट भी भर जाता है। अब एमन, आपके स्कूल में कब है मिलाद? टुमारो। उसकी क्या प्रेपरेशंस है? वाइट ड्रेस पहनना है। कल हम इंशाल्लाह एमन का वाइट ड्रेस में वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि एमन ने मिलाद कैसे अटेंड किया स्कूल में। ठीक है, तब तक के लिए हाफिज, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।